हे गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। अभी रिसेंटली चाइना गवर्नमेंट के द्वारा जो फास्ट रेडियो टेलीस्कोप है, जो कि अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है, जिसकी फुल फॉर्म है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, उसको इंटरनेशनल साइंटिस्ट के यूज़ के लिए 2021 के स्टार्टिंग मंथ्स में ओपन कर दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक और टेलीस्कोप हुआ करता था, जिसका नाम था अरेशिबो टेलीस्कोप, जो कि पोर्टो रिको में लोकेटेड था। इसको 1963 में बनाया गया था, और रिसेंटली दिसंबर मंथ में के स्टार्टिंग में ही इसका कोलैप्स हो गया था, जिसकी वजह से चाइना के द्वारा अभी अनाउंसमेंट की गई कि जो फास्ट रेडियो टेलीस्कोप है, इसको वर्ल्ड के लिए ओपन किया जाएगा। और जो अरेशिबो टेलीस्कोप था, जो बेसिकली उसकी सबसे बड़ी फाइंडिंग जो थी वो मरकरी के रोटेशन को लेके थी, उसके द्वारा ये फाइंड आउट किया गया था कि जो मरकरी है वो 59 डेज में रोटेट करती है, बट जो कैलकुलेशन है उसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो जो मरकरी है वो 88 डेज में रोटेट करती है। और उसको 59 डेज का जो रोटेशन है उसको फाइंड आउट करने का जो मेन क्रेडिट दिया जाता है वो अरेसिबो टेलीस्कोप को दिया जाता है, जिसका कोलैप्स रिसेंटली हो गया था। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली चाइना का जो फास्ट रेडियो टेलीस्कोप है उसके बारे में तो जानेंगे, उसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो जानेंगे, उसके साथ साथ जैसे टेलीस्कोप्स होते हैं ये एक्चुअली में क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, और जो रेडियो टेलीस्कोप है इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी गाउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं टेलीस्कोप्स के बारे में। टेलीस्कोप मतलब कि एक इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर है, जिसको कि नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता है, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को टेलीस्कोप जो इक्विपमेंट है उसकी हेल्प से काफ़ी अच्छे से देखा जा सकता है। इसमें बेसिकली काफ़ी शेप और साइज़ के ये होते हैं, मतलब कि छोटे से ट्यूब से लेके काफ़ी बड़े बड़े, जैसे कि हबल टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है जिसका वेट कई टन का है, तो इस तरीके से ये टेलीस्कोप्स होते हैं। अब ये कैसे वर्क करते हैं उसको समझने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है चाहे वो कितना भी दूर हो, वहाँ से लाइट तो आती है, ठीक है। जब उससे लाइट आती है तो यहाँ पे इस तरीके का एक इक्विपमेंट बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लेंस लगाया जाता है। ये जो लेंस है इसका मेन काम होता है, जैसे जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है उसको एक बेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पे बेंड करके उस लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करने का इसका मेन काम होता है। जो भी इनकमिंग लाइट होती है उसको एक पॉइंट पे यहाँ पे बेंड कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है, एक पॉइंट पे पूरी तरीके से वो लाइट सिकुड़ जाती है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे दूसरी साइड में एक आईपीस लगाया जाता है। ये आईपीस करता क्या है कि जैसे जो लाइट यहाँ पे फोकस की गई है उस लाइट की इमेज को काफ़ी ब्राइट बनाने के लिए, मतलब कि काफ़ी अच्छी बनाने के लिए उसको मैग्नीफाई करता है, जिससे कि हम अपनी आँखों से उसको देख सके, काफ़ी अच्छे से वो जो इमेज है हमें विजिबल हो सके, इस वजह से इस मैग्नीफाई को यहाँ पे लगाया जाता है। तो नॉर्मली इस टाइप से कोई भी टेलीस्कोप जो है वो वर्क करता है। यहाँ पे अगर टेलीस्कोप जो है अगर उनका जनरल प्रॉपर्टीज हम देखें तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है कितनी अच्छी आएगी वो डिपेंड करता है कि कितनी लाइट यहाँ पर आ रही है, और कितनी लाइट को यहाँ पे कलेक्ट करके इस फोकस पॉइंट पे लाया जा रहा है, उसके साथ साथ जो ये मैग्नीफाई करता है ये कितने तक उसको मैग्नीफाई कर रहा है, तो उस पे ही किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज जिसको कि हम टेलीस्कोप की हेल्प से देखते हैं वो डिपेंड करती है। और जो ये टेलीस्कोप्स होते हैं जनरली इनको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, जैसे रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप, जिनमें कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस हमने देखा था उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पे लेंस को ही यूज़ किया जाता है, उन सारे टेलीस्कोप्स को रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप बोलते हैं। और अगर उस लेंस की जगह पे अगर मिरर को यूज़ कर दिया जाता है तो उन टेलीस्कोप्स को रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे जो भी लेंस वगैरह यूज़ किए जाते हैं या फिर जो मिरर वगैरह यूज़ किया जाता है उनका जो डायमीटर होता है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो डायमीटर होता है उसको ही यहाँ पे अपर्चर बोला जाता है, और उस पे ही मेनली डिपेंड करती है कि कितनी लाइट वहाँ पे कलेक्ट होती है और कितनी अच्छे से उस इमेज को मैग्नीफाई आगे जाके किया जा सकता है। और जितना बड़ा ज़्यादा अपर्चर होगा, मतलब कि जितना बड़ा लेंस या फिर जो मिरर है उसका डायमीटर होगा, उतनी ही लाइट टेलीस्कोप के द्वारा कलेक्ट की जाएगी उस फोकस पॉइंट पे, और फिर वहाँ पे जो हमारी इमेज है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो काफ़ी ब्राइट इमेज हमको मिल पाएगी। जैसे कि रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप को अगर हम देखें तो कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पे बड़ा सा एक लेंस लगा दिया जाता है जिससे कि जो भी ऑब्जेक्ट है वहाँ से जो लाइट आ रही है उसको कलेक्ट करके एक फोकस पॉइंट पे कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद में यहाँ पे एक मैग्नीफायर होता है जिसकी हेल्प से इमेज को काफ़ी ब्राइट और मैग्नीफाई
किया जाता है, जैसे ऐसा बेसिकली रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप्स में होता है। बट जो रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप होते हैं जिसमें कि मिरर को यूज़ किया जाता है ना कि लेंसेज को, उसमें यहाँ पे देखो ये जो पोजीशन है यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर यूज़ किया जाता है इस शेप का। तो यहाँ पे जैसे जो भी लाइट ऑब्जेक्ट से आती है उस लाइट को यहाँ पे मिरर पे पड़ती है, उसके बाद में एक छोटा सा मिरर यहाँ पे भी लगाया जाता है। तो यहाँ से जब ये लाइट इस पे पड़ती है तो वापस से ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके इस छोटे से मिरर पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जाएगा स्मॉल मिरर पे। और यहाँ पे जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ से ये लाइट इधर जाती है, ठीक है, इसको एक एंगल पे रखा जाता है जिससे ये लाइट इस डायरेक्शन में जाएगी और यहाँ पे एक फोकस पॉइंट क्रिएट किया जाएगा। जब उस लाइट से एक फोकस पॉइंट बन जाएगा तो उसके बाद में जो नेक्स्ट लगाया जाता है वहाँ पे मैग्नीफाई किया जाता है जिससे कि उस इमेज को काफ़ी ब्राइट हम इमेज को देख सकें। इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज को रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में देखा जाता है। और अगर हम रेडियो टेलीस्कोप्स की बात करें तो जैसे कि हमने पहले देखा था जो रिफ्लेक्टर और रिफ्रैक्टर जो टेलीस्कोप्स हैं उन सब में लाइट को यूज़ किया जाता था, पर जो रेडियो टेलीस्कोप्स हैं इनमें जो स्पेस से रेडियो वेव्स आती हैं उन सबको कलेक्ट किया जाता है। इसमें मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं, एक तो किसी भी टेलीस्कोप में एक या एक से ज़्यादा एंटीना हो सकते हैं जिनसे कि जो रेडियो वेव्स आती हैं उन सबको कलेक्ट किया जाता है। मोस्टली ये जो एंटीनाज होते हैं पैराबोलिक शेप की डिशेज होती हैं। उसके अलावा एक रिसीवर एंड एम्पलीफायर होता है, जैसे मान लो कोई भी जो रेडियो वेव्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक सिग्नल्स की हैं उन सबको एम्पलीफायर और रिसीवर जो है उसकी हेल्प से एम्पलीफाई किया जाता है। और उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो मेन कंपोनेंट इसका होता है एक रिकॉर्डर, जिसमें कि जो भी सिग्नल्स आते हैं उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे कोई भी रेडियो वेव्स जो आ रही हैं स्पेस से वो बेसिकली जो डिस्क का सरफेस है उस पे एक्ट करती हैं, जैसे कि हमारा इस जो मिरर वगैरह में या फिर जो लेंसेज वगैरह वाले में जो लाइट एक्ट करती थी फिर बाद में फोकस पॉइंट पे जाती थी, इस तरीके से ही यहाँ पे ये जो रेडियो वेव्स हैं एक्ट करती हैं और फिर ये वेव्स जो है रिफ्लेक्ट होते हुए एक फोकस पॉइंट पे जिसको कि फीड हॉर्न बोला जाता है, यहाँ पे एक फोकस पॉइंट है जिसको फीड हॉर्न के नाम से जाना जाता है, उस पॉइंट में यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस फीड हॉर्न में ये चली जाती हैं। और जैसे लेंस और मिरर का जो साइज़ था वो बेसिकली डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी अच्छी आएगी उस पे, उसी तरीके से ये जो डिस्क का साइज़ है जिसको कि अपर्चर बोलते हैं जिसका जो डायमीटर है वो भी डिपेंड करता है सेम वे में। अब यहाँ पे जैसे जो फीड हॉर्न जो है उसमें जो भी रेडियो वेव्स चली जाती हैं उसके बाद जो रिसीवर या फिर एम्पलीफायर जो होता है उसमें जो जैसे पूरी रेडियो सिग्नल चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो सारी वहाँ पे फीड हॉर्न की हेल्प से रिसीवर तक चैनल की जाती हैं। जब ये चैनल यहाँ पे की जाती हैं उसमें जिस मान लो कोई भी वीक रेडियो सिग्नल्स हैं उन सबको एम्पलीफाई भी एम्पलीफायर की हेल्प से किया जा सकता है और फिर बाद में इन सारे सिग्नल्स को जो भी रेडियो सिग्नल्स हैं उन सबको रिकॉर्डर की हेल्प से जो डेस्कटॉप होते हैं कंप्यूटर वगैरह के जो डिस्क हैं उन सब में स्टोर किया जाता है। तो इस तरीके से बेसिकली कोई भी रेडियो टेलीस्कोप वर्क करता है। और जो ये फास्ट टेलीस्कोप है जो जिसकी फुल फॉर्म है 500 अपेरेचर स्पेरिकल टेलीस्कोप, इसमें इसका जो अपेरेचर है यानी कि जो डायमीटर है टोटल 500 का है, बट जो 300 का सर्किल है उसका ही यूज़ इस टेलीस्कोप में किया जाता है, बाकी पोर्शन का यूज़ नहीं किया जाता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन था 2016 में कंप्लीट हो गया था, टोटल कॉस्ट $175 मिलियन के साथ, जो कि दावनांग डिप्रेशन में लोकेटेड है। जो दावनांग डिप्रेशन है ये साउथ वेस्ट चाइना में लोकेटेड है, वहाँ पे जो थाउजेंड्स ऑफ विलेजर्स थे उन सबको डिस्प्लेस करके इस टेलीस्कोप को कंप्लीट वहाँ पे किया गया था, जो कि अभी लार्जेस्ट फील्ड अपरेचर रेडियो टेलीस्कोप है और सेकंड लार्जेस्ट सिंगल डिस अपेरेचर है। फर्स्ट जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल डिस अपेरेचर टेलीस्कोप वो राटा 600 है जो कि रसिया में लोकेटेड है। और जो ये फास्ट टेलीस्कोप है इसको बेसिकली आई ऑफ हेवन के नाम से भी या फिर तियानह्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फास्ट टेलीस्कोप चाइना का जो है उसके बारे में, और टेलीस्कोप्स कैसे वर्क करते हैं, रेडियो टेलीस्कोप कैसे वर्क करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।